था तो प्रेमानुभव सज्जनों, जैसा आदेश शिव महापुराण के अंतर्गत आप एक से एक कथाएं सुन रहे हैं, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जानकार लोग बैठे हैं। बात समय की, आज माता सती भगवान भोलेनाथ से कहती है, स्वामी मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहां चली जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती क्या हमें तुम्हारे पिता के यहां से कोई न्योता नहीं आया है, और तदपि विरोध मान जहे कोई तहां जाए कल्याण न होई। बार बार समझाते हैं लेकिन माता सती जिद पे अड़ जाती है। माता सती का यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति देना, राजा दक्ष का घमंड को चूर करना, यही कथा आप सुनेंगे। माता सती भगवान भोलेनाथ से कहती है, देखो सजे आकाश से जा रहे विमान, मैं भी दर्शन कर आऊं, आज्ञा हो भगवान। तो आज क्या भगवान भोलेनाथ माता सती से कहते हैं, सती ये नहीं संदेश आया, ये सती जी मानो, ये जितना थानो, ऐसा सती भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते हैं, वो सती जी मानो ये जितना थानो, ये सती जी मानो। क्या बात, सती जी मानो ये जितना था, आज भगवान भोलेनाथ के बार बार मना करने पर भी
सती राजा दक्ष के यहाँ अपने पिता के यहाँ चली जाती है और वहां पर जब भगवान भोलेनाथ का अपमान देखा, क्या जानकार लोग बैठे हैं, अपमान भी कौन सा, सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती की सारी बहनें सती को देखकर हंसने लगती है, कहती है बगैर बुलाए यहां आ गई हो। सती जाए देखा जब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। सारे यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के कहीं स्थान नहीं था, इस चीज को देखकर आज सती मन ही मन शर्मिंदा हो जाती है और क्या कहती कि स्वामी यदि मैं भगवान भोलेनाथ की बात मान जाती तो आज ये अपमान अपनी आंखों से ना देखना पड़ता। क्या कहती है सती, क्या क्या कहती है सती, तो सिपी से क्या बात, आज भगवान भोलेनाथ का अपमान इन आंखों से देखा है। सिपी से पिछड़ी वो जिंदा है, ये नाथ सती शर्मिंदा है, हो नाथ सती शर्मिंदा है। क्या कहती है माता सती, सिपी से पिछड़ के वो जिंदा है, ओ नाथ सती शर्मिंदा। क्या बात है प्यारे, ये नाथ सती शर्मिंदा है, क्या कहती है माता सती, क्या हमारे परम सम्मानीय संतोष भैया गौर साहब जो भजनों के बड़े रसक हैं, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान। और हमारे विष्णु भैया गोस्वामी जी मेगा मोटर बाइंडिंग, आपकी ओर से हमारे ढोलक मास्टर को 51 रुपए की राशि प्रदान। भैया जी हार दिखा दे, धन्यवाद। क्या बात है, 501 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय शांतुलाल जी जादोनी बापरी वालों की ओर से प्रदान। भोलेनाथ आपके हर मनोरथ को पूर्ण करें। ओ मान कहा जो सब का जाती तो ऐसा ना हो, यदि भगवान भोलेनाथ का कहा मैं मान जाती तो आज ऐसा ना होता, ना होता। ये मान कहा जो सबका जाती तो ऐसा ना हो, जाती
समय का बहुत अभाव है और समय की नजाकत को देखते हुए अब आपने भोले जी नाराज ना होना, भोले जी नाराज ना होना। बहुत बढ़िया। धर्म सिंह जाट साहब आपकी ओर से 21 रुपए की राशि प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।